मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं किसी भी प्लॉट को खरीदने से लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन करने तक का पूरा प्रोसेस बताऊं। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लॉट खरीदने से लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन कराने तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक प्लॉट फाइंड करना है। ये आप दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली ओनर से मिल सकते हैं या आप किसी प्रॉपर्टी डीलर की इसमें हेल्प ले सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। अगर आप डायरेक्टली ओनर से मिलते हैं तो इसमें आपको सिर्फ प्लॉट का प्राइस देना होता है, जबकि अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प से कोई प्लॉट फाइंड करते हैं तो उसमें आपको प्लॉट का प्राइस प्लस प्रॉपर्टी डीलर को कुछ कमीशन भी देना होता है। ये कमीशन प्रॉपर्टी की कॉस्ट पर डिपेंड करता है। प्लॉट फाइंड करने के बाद सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो उस प्लॉट को सेल कर रहा है उसके पास सेल करने का राइट है या नहीं। इसके लिए आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखिए। अगर वो ऑनर नहीं है तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी देखिए। आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और पावर ऑफ अटॉर्नी की एक फोटोकॉपी ले लीजिए। इसके बाद आपको आसपास रहने वाले लोगों से कुछ इंक्वायरी करनी है, जैसे कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है। प्रॉपर्टी और सभी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद अब बारी आती है पेमेंट करने की। ज्यादातर लोग रजिस्ट्री से पहले ही पूरा पेमेंट कर देते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पेमेंट आपको कभी भी कैश में नहीं करना चाहिए। या तो आप चेक से पेमेंट करिए या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करिए। जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं उसको आपको लिख लेना चाहिए और उस पर सेलर और दो गवाहों के सिग्नेचर करा लेने चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ये आपके लिए एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हर प्रॉपर्टी के दो रेट होते हैं, एक सरकारी रेट होता है और एक सेलिंग रेट होता है। रजिस्ट्री में जो स्टाम्प लगते हैं वो सरकारी रेट के हिसाब से लगते हैं, सेलिंग रेट के हिसाब से नहीं लगते हैं। ज्यादातर सरकारी रेट कम होता है और सेलिंग रेट ज्यादा होता है। जैसे कि अगर आप कोई 20 लाख रुपए का प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो 20 लाख इसका सेलिंग रेट है, जबकि इसका सरकारी रेट कम होगा, जो कि हर स्टेट का अलग अलग होता है। ये आप नेट पर चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो प्रॉपर्टी का जो सरकारी रेट होता है उसी के हिसाब से रजिस्ट्री के टाइम स्टाम्प लगते हैं। जैसे कि मैंने 13 लाख रुपए का एक प्लॉट परचेज किया और उसका सरकारी रेट था 4 लाख रुपए, तो उस पर 56,000 रुपए के स्टाम्प लगे थे। अब बात आती है कि रजिस्ट्री के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सेलर के फोटोग्राफ्स और उसकी आईडी, बायर के फोटोग्राफ्स और उसकी आईडी, और दो गवाहों के फोटोग्राफ्स और उनकी आईडी लगेगी। साथ ही जो बायर है उसका प्लॉट में एक फोटो होना चाहिए। इसके बाद आपको एक डेट फिक्स कर लेनी है जिसमें आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। रजिस्ट्रार ऑफिस सेलर, बायर और दो गवाहों को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर आपको काफी वकील मिलेंगे, जिन्हें कातिब भी कहा जाता है। आपको कोई एक वकील हायर कर लेना है। सभी वकीलों की फीस एक जैसी ही होती है। स्टाम्प के अलावा वो 15-20 हजार रुपए लेते हैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के। जो भी वकील आप हायर करेंगे वो आपके रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा, साथ ही उसमें सरकारी रेट के हिसाब से स्टाम्प लगाएगा। रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में वकील को 1-2 घंटे का टाइम लगता है। इसके बाद आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है। वहाँ पर आपको मोस्टली 3 काउंटर्स मिलते हैं। पहले काउंटर पर वेरिफिकेशन किया जाता है। सेलर से पूछा जाता है कि क्या आप बेच रहे हैं, बायर से पूछा जाता है कि आप खरीद रहे हैं, गवाहों से पूछा जाता है कि क्या आप गवाह हैं, और पूछा जाता है कि पेमेंट हो गया है और कितना हुआ है। वहाँ पर आपको जो सरकारी रेट है वही बताना होता है। जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने 10 लाख रुपए की परचेज की है और उसका सरकारी रेट 4 लाख रुपए है, तो वहाँ पर आपको यही बताना होता है कि 4 लाख रुपए में सौदा हुआ है और पेमेंट हो गया है या फिर आगे फ्यूचर में होगा। इसके बाद दूसरे काउंटर पर सेलर, बायर और दोनों गवाहों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और आंखों का स्कैन भी किया जाता है। इसके बाद रजिस्ट्री के पेपर्स तीसरे काउंटर पर जमा कर दिए जाते हैं और वहां पर सिग्नेचर किए जाते हैं। वहां से कुछ दिनों के बाद आपको आपकी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। जैसे ही आपको आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी प्लॉट को परचेज करने का। इसके बाद अगर आप उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आपको उसका नक्शा बनाना होगा, एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, एक एफिडेविट बनवाना होगा और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको नगर पालिका में जमा कराना होगा। नक्शा आप 200-300 रुपए में बनवा सकते हैं, साथ ही एक एप्लीकेशन आप खुद भी टाइप कर सकते हैं जिसमें आपको लिखना होता है कि ये मेरा प्लॉट है, एड्रेस ये है, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन कराना चाहता हूँ, कृपया अनुमति दीजिए, और एक एफिडेविट बनवाना होता है
जो कोई भी एडवोकेट 50-100 रुपए में बना देता है। उस प्रॉपर्टी का नक्शा, ये एप्लीकेशन और एफिडेविट, ये तीन डॉक्यूमेंट्स आपको नगर पालिका में जमा करने होते हैं। वहां से एक ऑफिसर आता है जो आपके प्लॉट को चेक करता है और आपके नक्शे को पास कर देता है। उसके बाद आप उस पर कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है किसी भी प्लॉट को परचेज करने से लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन कराने तक का। सो गाइज, आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।